दोस्तों सांप दुनिया के सबसे ताकतवर जानवर होता है। सांप सबसे खतरनाक भी होता है। जब तक ये आपके कंट्रोल में है तब तक तो सब सही है। रोल से बाहर हो गया तो समझिए यह इंसानों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। आपको पता ही होगा हर साल सांप क्या आतंक मचाते स्पेन में, कैसे वहां के लोग जो इस शक्तिशाली जानवर के साथ मजे लेने की कोशिश करते हैं वो मारे जाते हैं। दोस्तों आज के हम अपने इस एपिसोड में आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल सांप जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। बजाजाइज बुल दोस्तों, ये सांप मेनली फ्रांस में पाया जाता है। ये बहुत ताकतवर होता है। इसकी बॉडी देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना शक्तिशाली होता होगा। कहा जाता है कि ये इतने ताकतवर होते हैं कि एक साथ में कई गाड़ियां खींच सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको संभल कर रहने की जरूरत है। अगर ये एक बार आपके कंट्रोल से निकल गए तो समझिए आपकी खैर नहीं। हर साल फ्रांस में 200 से ज्यादा किसान सांप के हमले में मारे जाते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सांप 35 किलो से लेकर 42 किलो तक के बच्चों को जन्म देते हैं। इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये एक पैर में कम से कम 12 घंटे काम कर सकते हैं, वो भी अपने ऊपर वजन लेकर। दोस्तों फ्रांस के लोगों के बीच सांप का मीट भी बहुत पॉपुलर है। इन्हीं की इसका मीट न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि जूसी भी होता है। इसे फ्रांस के रेगिस्तान का मांस खा सकते हैं। पाथनेज दोस्तों, भैंस की एक ब्रीड जो कि फ्रांस और आयरलैंड में मेनली पाई जाती है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि एक दिन में 40 से 50 लीटर तक दूध देती हैं और 7 दिन के दूध से बना चीज दोनों देशों में बहुत पॉपुलर भी है। दोस्तों आपको बता दें कि ये भैंस इतनी ताकतवर होती है कि 200 किलो का वजन लेकर ये नॉनस्टॉप 6 घंटे तक भाग सकते हैं। जरा इनका बेल्ट तो देखिए, बहुत ताकतवर होते हैं। फ्रांस के लोग तो इन्हें द रॉक के नाम से पुकारते हैं। हालांकि ये पालने में बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इनकी डाइट बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप खुद ही सोचिए ना, जिस भैंस से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको डेली 40-50 लीटर दूध देगी, उस भैंस के ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा भी तो करना पड़ेगा ना। खाएगी तभी तो दूध देगी। वैसे इनका इस्तेमाल आइसलैंड में मीट प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है। यहाँ की लोगों के बीच में इस भैंस का मीट बहुत पॉपुलर है। आयरलैंड में जो कि बहुत ठंड पड़ती है तो ऐसे में इनका मान इन्हें गर्मी का एहसास देता है। मगर देश की अपनी अपनी मान्यताएं। लिमुजान दोस्तों, कहा जाता है कि बॉडी बिल्डिंग के मामले में इससे बेहतर कोई और सांड नहीं है। जरा देखिए कैसे लग रही है, कितने मस्कुलर ये सांड। दोस्तों इनका इस्तेमाल ज्यादातर खेती में ही किया जाता है। ये सांप भी फ्रांस में ही पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इनके बारे में कहा जाता है कि एक ही बार में कई खेतों को जोत देते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये भागने में भी माहिर माने जाते हैं, तभी तो इन कैसे मेल फ्रांस में बुल रेस के लिए किया जाता है। इनके ऊपर खूब सारा पैसा लगाया जाता है। अगर ये जीत गए तो इनके मालिक रातों रात मालामाल हो जाते हैं। दोस्तों इनका मीट भी बहुत प्रसिद्ध है फ्रांस में। कहा जाता है कि जब ये थोड़े उम्रदराज हो जाते हैं तब इनका इस्तेमाल मीट के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये कि इंसानों को पता है कि इस ताकतवर सांप का कब और कैसे इस्तेमाल करना है। मॉन्टबेलियर्ड दोस्तों, ये भी फ्रांस में ही पाई जाने वाली भैंस है। इनका दूध बहुत गाढ़ा होता है। कहा जाता है कि ये 1200 किलो वजन तक के हो जाते हैं। इनके शरीर में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं होता। दोस्तों आपको बता दूं कि रेसिंग के लिए भी जाने जाते हैं। लाखों रुपए इनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है और एक बार जब ये कोई रेस जीत लेते हैं तो समझिए इनके केयरटेकर के पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती। हालांकि इनका अपग्रेडेड वर्जन आजकल अर्जेंटीना में भी पाया जाने लगा है, जिसे अगर आप खरीदना चाहेंगे तो आपको 4-5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। साथ ही दोस्तों इनका मीट भी बहुत टेस्टी होता है। फ्रांस में ज्यादातर लोग इनके मीट को लंच टाइम में खाना पसंद करते हैं। ब्रह्मा दोस्तों, के आपको बता दे कि ये सांड हमारे देश में भी पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सांड दुनिया में एक हिंदुस्तान और एक अमेरिका में ही होते हैं। इस सांड का वजन 1000 किलो से भी ज्यादा हो जाता है।
दोस्तों आपको बता दूं ये इतने ताकतवर होते हैं कि किसान इनकी पूजा करते हैं। खासतौर पर सावधान इंडिया में ऐसा अमेरिका में भी ब्रह्मा का इस्तेमाल बाड़ी के लिए किया जाता है। जरा इनके मसल्स को देखिए, ये बहुत ही तेज तर्रार किस्म के साइन होते हैं जो न सिर्फ खेतों में बल्कि मीट के लिए भी इस्तेमाल में आते हैं। इनकी पहचानना बड़ी ही आसानी से कर सकते, ये देखिए कैसे इनकी पीठ पर एक अलग तरह का बोन ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है। इन सांड का इस्तेमाल क्रॉस ब्रीडिंग के लिए भी किया जाता है दोस्तों, तो हिंदुस्तान में भी इस ब्रीड का इस्तेमाल मीट प्रोडक्शन के लिए शुरू हो गया है। कहा जाता है कि इस प्रजाति के सांडों का दिमाग बहुत तेज होता है। अगर इनको अपने एक बार किसी काम की ट्रेनिंग दे दी तो फिर ये मानकर चलिए कि ये सांडों को पूरा कर देगा। क्या आपने कभी सांड को देखा है? अब हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हाइलैंड बुल दोस्तों, ये है स्कॉटलैंड देश का सबसे पॉपुलर बुल ब्रीड। जी हाँ दोस्तों, इनके लंबे बाल और इनके दूध से बनाए गए बटर इन्हें सबसे अलग बना देते हैं। दोस्तों दूध तो ज्यादा नहीं देते लेकिन इनका मीट भी बहुत ताकतवर माना जाता है। स्कॉटलैंड में तो इनका मीट इतना प्रसिद्ध है कि इन्हें वीगन फूड के नाम से जाना जाता है। वहीं किसान न सिर्फ फेसबुक का इस्तेमाल खेतों में करते हैं बल्कि इनके दूध से बना बटर भी इस देश के लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर है, और वो इसलिए क्योंकि इनके दूध में फैट ज्यादा मात्रा में होते हैं। ठंड के मौसम में इनके मीट का सूप बनाया जाता है जो कि इंसानों के शरीर में गर्मी पैदा करता है। एबरडीन एंगस दोस्तों, इस भेस को ब्लैक ब्यूटी भी कहा जाता है। ये भी बेहद पावरफुल होते हैं लेकिन इनके बारे में जो सबसे रोचक बात है वो ये कि दुनिया की सारी बड़ी बड़ी फास्ट फूड कंपनी जो बीफ का प्रोडक्ट बनाती हैं वह एबरडीन एंगस के मीट का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये वजन में 1200 किलोग्राम तक की हो जाती हैं, जबकि खेतों में काम करने के लिए भी ये जाने जाते हैं। दोस्तों आपको शायद ये पता न हो कि एबरडीन एंगस भैंस का मीट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा माना जाता है। जो लोग मीट खाते हैं उन्हें जब अलग अलग वैरायटी की मीट खिलाई जाए तो उसमें नंबर वन रैंकिंग पर इस भैंस की थी। ये भैंस तकरीबन 30 से 40 लीटर तक दूध भी देती है। अब आप खुद ही सोचिए एक भैंस से अब और क्या चाहिए। सुल्तान इंडियन बुल दोस्तों, हिंदुस्तान का शान है सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा भैंस है जो कि अपने सीमन के लिए जाना जाता है। दोस्तों जब आप इस भैंस की डाइट आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये भैंस एक दिन में 15 किलो सेब, 10 किलो गाजर, 12 किलो हरी सब्जी और 10 किलो दूध चट कर जाते हैं। तो वहीं ऐसी भी खबरें हैं कि शाम के समय से एक विस्की की बोतल भी चाहिए होते हैं। कहने का मतलब ये कि सुल्तान को दिन भर का खाना खिलाने में आपकी जेब से 3000 रुपए खर्च होंगे, लेकिन दोस्तों ये इससे कहीं ज्यादा पैसे कमाकर अपने मालिक को दे देता है। दोस्तों क्रॉस ब्रीडिंग के मामले में ये दुनिया का सबसे महंगा भैंस है। इनका सीमन ही इनका ब्रांड है। इतना ही नहीं, ये बुल फाइटिंग के मामले में भी बहुत ऊपर हैं। इनके सामने कोई भी दूसरा बुल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाते। बेस ये सही बात है, जब आपकी डाइट इतनी जबरदस्त हो तो फिर ताकत भी तो आपके पास होगी। बेल्जियन बुल दोस्तों, ये तरीके से ये है सांडो का सलमान खान। हमें गलत मत समझिएगा, हमने ये इसलिए कहा क्योंकि इनके जैसा बॉडी बिल्डर कोई और जानवर ही नहीं पूरी दुनिया में, यकीन नहीं। और अब जरा नजदीक से देखेंगे बॉडी को, ये कितने पावरफुल लगते देखने में। भाई मसल इनका जरा देखिए, ये हजारों साल से बेल्जियम में है लेकिन इनके बारे में सबसे पहले 1916 में दुनिया को पता चला। इनसे किसान खेतों में काम कराते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि एक साथ में 1000 मीटर लंबे खेत के प्लॉट को जोत सकते हैं। दोस्तों बेल्जियम में बुल फाइट में प्रसिद्ध खेले है और बेल्जियन बुल्स इसके मास्टर खिलाड़ी हैं। सही बैठते हैं वैसे भी, जब बताकर की होगी तो इनकी बॉडी ही दुनिया को डराने के लिए काफी है। अब ऐसे कितने लोग हैं जो उनकी बॉडी को देखकर इंस्पायर हो गए, अब हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ज्ञान बुल दोस्तों, ये दुनिया का एकमात्र सांड है जो कि रफ्तार के मामले में किसी भी जानवर को टक्कर देने की क्षमता रखता है। जी हाँ दोस्तों, ने जर्मन बुल काफी तेज भागता है। जर्मनी में बुल रेस एक फेमस स्पोर्ट है और यह बुल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हालांकि ये दूध देने के लिए भी जाना जाता है लेकिन मिल्क प्रोडक्शन के मामले में ये कहीं ज्यादा फायदे का सौदा साबित होता है वहाँ के किसानों के लिए।
इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े शॉक टेंपल होते हैं। अगर आप इनके सामने ठीक तरीके से नहीं रहे तो आपके लिए परेशानियां पैदा हो सकते हैं। हर साल कई किसान प्लेन बुल के गुस्से का शिकार हो जाते हैं। कई बार तो ये रेस के दौरान भी दर्शकों के बीच घुस जाते हैं और कई लोगों को चोटिल कर देते हैं। मैंने आंजू, दोस्तों यदि फ्रांस की ही एक ब्रीड जो कि ताकत के मामले में सबसे अलग है। इनका वजन उदय 1400 किलो और यह 800 किलो तक का वजन लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से चले जाते हैं। दोस्तों ये न सिर्फ किसानों के बीच में काम करने के लिए पॉपुलर हैं, बल्कि जितने भी फ्रांस में मीट की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब इन पर हद से ज्यादा निर्भर करते हैं। इनके मीट के बारे में कहा जाता है कि ये खाने में बहुत सॉफ्ट होता है और ताकतवर भी। दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। आपके कॉमेंट का हमें इंतजार रहता है। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वहीं अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।